वर्तमान में धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हुए पेड़ों की कटाई करते हुए जंगलों में घुसता जा रहा है और उन जंगलों में कंक्रीट के जंगल खड़े करता जा रहा है। ऐसे में जंगल में शरण लेने वाले जंगली जानवर शहरों की तरफ भाग रहे हैं और अपना आशियाना तलाश रहे हैं। ऐसे में कई बार शहरों में घुसते हुए जंगली जानवर लोगों पर हमला भी कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई से सटे कल्याण में, जहां चिंजपाड़ा नामक रिहायशी क्षेत्र स्थित श्री राम बिल्डिंग में एक तेंदुआ घुस गया। सोसाइटी लोगों से भरी हुई थी, इसलिए सोसाइटी में तेंदुए के घुसते ही पूरी सोसाइटी में डर का माहौल बन गया। इस बीच तेंदुए ने 3 लोगों को घायल भी कर दिया। आप इस लहूलुहान शख्स को देख सकते हो, इस पर तेंदुए ने हमला किया था, जिसके चलते इसकी ये हालत हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वन अमला जाल वो पिंजरा लेकर तेंदुए को पकड़ने की कवायद में जुट गया और 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने देर शाम तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। परंतु अगर इस घटनाक्रम में दूसरा पहलू देखा जाए, तो अगर कोई आपके घर पर कब्जा करेगा तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, तो सोचिए, वो तो फिर भी एक मुक्त जानवर है, वो भी जंगली। कल्याण से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।